नमस्कार, परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो. मी दिलीप बनकर. पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी. बोल. वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं प्रभाग क्रमांक 3 आणि प्रभाग क्रमांक 5 मधून वांगी रोड रस्त्याचे काम हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीनं सुरू आहे, परंतु हे काम निकृष्ट दर्जाचे होत आहे. हे काम दर्जेदार व्हावे याकरिता वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा सचिव युसुफ कलीम हे उपोषणाला 13 तारखेपासून बसलेले आहेत. आत्तापर्यंत प्रशासनाला जाग आलेली नाही. युसुफ कलीम हे सरकारी दवाखाना येथे ॲडमिट आहेत. प्रशासनाला माझी विनंती आहे की लवकरात लवकर याचा मार्ग काढावा, अन्यथा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने ना इलाजास्तव आपल्या कार्यासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. या होणाऱ्या या अस्सलाम वालेकुम. 13 अगस्त से परभणी शहर के लिए मैंने उपोषण किया था और 15 अगस्त के रात के अंदर जब मैं वहाँ से नहीं उठा 15 अगस्त के दिन, तो एक संयंत्र रचा के दवाखाने को मैनेज करके मेरे को रात में 1 बजे उठा के लेके आए. और मेरी हक की मांग ये थी कि वांगी रोड का जो काम चालू है उसका गुणवत्ता और उसकी क्वालिटी और उसका दर्जेदार काम होना बोल के उपोषण था, मगर प्रशासन को अभी तक ना जाग आया, ना होश आया, ना परभणी के पूरे जनता को चिढ़ाई, ना गुस्सा आया. ताजुब ये लगता है कि भाई परभणी के अंदर जितने शहर है अपना, हर शहर के अंदर इतने रोड ख़राब होने के बावजूद भी लोगों को एक तो गुस्सा भी नहीं आता और एक चिढ़ भी नहीं आती, क्योंकि हर एक को जो तकलीफ होती है, क्योंकि वो तकलीफ़ इतने सहन कर करके अपने आप ने अपने को आपने इतना मुर्दार कर दिए हैं, क्योंकि परभणी के जनता को एक गुस्सा को गुस्से आना चाहिए और चिड़ आना चाहिए. यहाँ के जो आमदार और खासदार है, आमदार और खासदार जो है, आज 5 साल से जो आज यहाँ पर परभणी के अंदर सत्ताधारी पक्ष के अंदर जो लोगों ने आज परभणी के जो है ना क्या लोगों को जो तकलीफ पहुँचाए हुए हैं, वो लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ. आज महानगर पालिका 2012 में हुई, 2012 में होके 4 महापौर बने, मगर उसकी ये नतीजा निकला कि परभणी का विकास और परभणी के रोडों के वास्ते इतने ख़राब रोडों हो चुके हैं कि 50 बार तो कम से कम आमदार और खासदार उस रोडों से गुजरेंगे, मगर इनको जब वक्त आता है वोटिंग का तो उस टाइम में पब्लिक को एक जात के ऊपर लेके आके अपने है ना के वोट लेते हैं और जात पे लाके है ना क्या और जात को बटा के ये वोट का राजकारण परभणी में आज तक चल रहा है. और परभणी में ऐसा जब तक राजकारण रहेगा कि जातवादी का परभणी का हाल इससे बुरा रहेगा. और मैं हमारे बनकर साहब को मैं इतना अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने एक रोड के मामले में ऐसे 2-3 कुछ ऐसे चैनल है परभणी के जो के लोगों की तकलीफ समझ के बनकर साहब मेरे आज दवाखाने तक आए हुए हैं. मैं उनका तहे दिल से आभार मांगता हूँ. और एक जागरूक करने का उन्होंने अपना एक चैनल लेके आने का आज मेरे पास जितना आए हुए हैं कि जैसा ही मालूम हुआ बनकर साहब कल भी मेरी मिजाज पूछने को आया था, मगर प्रशासन अभी तक भी सोएवा है. बनकर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. जय हिंद, जय भारत, वंदे. वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं प्रभाग क्रमांक 3 आणि प्रभाग क्रमांक 5 मधून वांगी रोड रस्त्याचे काम हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीनं सुरू आहे, परंतु हे काम निकृष्ट दर्जाचे होत आहे. हे काम दर्जेदार व्हावे याकरिता वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा सचिव युसुफ कलीम हे उपोषणाला 13 तारखेपासून बसलेले आहेत. आत्तापर्यंत प्रशासनाला जाग आलेली नाही. युसुफ कलीम हे सरकारी दवाखाना येथे ॲडमिट आहेत. प्रशासनाला माझी विनंती आहे की लवकरात लवकर याचा मार्ग काढावा, अन्यथा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने ना इलाजास्तव आपल्या कार्यासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. या होणाऱ्या या
आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात. शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज.